नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है मेरी जर्नी जोरहाट से माजुली के लिए, निमती घाट जो कि जोरहाट में है, और वहाँ से हमने ये फेरी ली थी जिसका पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज लगता है, और हम अपनी गाड़ी भी लेके गए थे जिसका 800 रुपये लगा चार्ज लगता है। तो गाड़ी के थ्रू आप जाते हैं तो 400 रुपये, और पर पर्सन आप वैसे सिंगल पर्सन भी आप जैसे भी आप जाते हैं तो आपका 30 रुपीज़ पर पर्सन जाता है। दोस्तों ये है फेरी के नीचे का पार्ट जहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी और बहुत ही स्पेशियस था, लोग आराम से बैठ के जा रहे थे। तो जोरहाट से माजुली का सफ़र 1 घंटे के आसपास का है, और रास्ते में आप बहुत सुंदर सुंदर इस तरह से व्यू आप देख सकते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है माजुली, जिसके लिए माजुली अपने बहुत सारे रीजंस के लिए फेमस है, और धीरे धीरे वीडियो में आपको इसकी जानकारी भी देता, बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस टाइम हूँ माजुली में। माजुली में जो 17 होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, उसको 17 क्यों बोलते हैं, किस लिए ये इतने फेमस है वर्ल्ड में, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चामागुरी 17 उनके जो यहाँ पर जो संभालते हैं, देखते हैं और बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये क्या है, 17 क्यों बोला जाता है इसको, किस लिए ये इतने फेमस है, बाहर से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, मैंने देखा। ठीक है, हम बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम धीरेन गोस्वामी। हमारा ये सामगुरी सत्र बोला है, सामगुरी सत्र। ये सत्र एस्टैब्लिश हुआ था 1663 हाँ, अहोम किंग जो शकरधर सिंह सत्र एस्टैब्लिश किया था, असम किंग ने जो शुरू किया था। एक बड़ा पेड़ था जो पेड़ का नाम श्याम बोला है, वो नीचे सत्र एस्टैब्लिश किया था, नाम रखा है सामगुरी सत्र, सामगुरी सत्र। हाँ, और सत्र का जो मेन कल्चर है मुखुटा बनाने के लिए, उनका ये कल्चर है। हाँ, कल्चर है। हाँ, ये 500 साल आगे हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखुटा बनाए। अच्छा, ये एक परंपरा चल रही है, परंपरा चल रही है। ये पिताजी का पिताजी पिताजी का पिताजी ऐसे आया जी। 2003 में पिताजी अवार्ड मिला, वर्ल्ड में फेमस हुआ है। ये आप दिखा सकते हैं, ये कलाम जी को साथ ताम्रपत्र मिला है, असली ताम्रपत्र है वो आगे है। और हमारा मुखुटा पहले ऐसा बनाया, देखिये पहले बैम्बू। अच्छा, पहले ऐसे बैम्बू, ये आप देख सकते हैं, पहले प्रोसेस ये दिखा रहे हैं कि क्या होता है प्रोसेस। पहले बैम्बू से इसको ऐसे बना जाता है मुखटे को, उसके बाद सेकंड स्टेप ये कुमार मिट्टी से कपड़ा लगाया। हाँ, ये मिट्टी कपड़ा लगाया, ये सूखने के बाद सहरा बनाए गोबर से काउडंग, और सहरा होने के बाद फिर गोबर के ऊपर कपड़ा लगाएंगे, ये कपड़ा लगाएंगे। लास्ट पेंटिंग, ये 1 2 3 4 5 सबसे लास्ट प्रोसेस है। लास्ट प्रोसेस 3-4 दिन लगता है एक मास्क बनाने के। जी जी जी। और ये मास्क हम थ्री टाइप का बनाए, तीन भगवान का विष्णु रूप नरसिंह अवतार, ये बड़ा मुखुटा बोला है, ये वाला। हाँ, ये बड़ा मुखुटा, और एक है मीडियम साइज ये नरसिंह, दो का मुखुटा बोला है, और ये है फेस मुखुटा, ये हमारा जो ड्रामा है ना, ड्रामा के लिए जो पिन करते है ना, जैसा जो रामायण कहानी में हनुमान। तो दोस्तों ये जो आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ये यहाँ पर आके आप समझ पाएगी, ये बहुत ज्यादा फेमस है माजुली, और इसकी जो कल्चर है 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो जैसे इन्होंने बताया इन चीजों के बारे में, आप यहाँ आइए, चीजों को समझिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस लीजिएगा। और एक चीज और मेरे को आपसे जाननी थी, यहाँ पर ये जो राग एक फेस्टिवल होता है, तब बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग आया है, और हमारा रासलीला के लिए हम बहुत ज्यादा मुखुटा बनाएंगे। अच्छा, जो अघासुर बकासुर पुतना चक्रवात धनगर ऐसा जो असुर है ना, इसको मारने के लिए जो पंच जो बुलाया वो असुर बनाए।
रास मिलाता है। जी जी, तो ये सबसे पुराना सत्र है कि इसके अलावा भी और सत्र यहाँ पर? ना हमारा तो और अलग है, असली हमारा सत्र यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, और सार्किल मीना दूर से प्राचीन समुद्र यहाँ पे आया है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो ठीक, तो कुल मिलाकर कितने सत्र हैं यहाँ पर हमारा मदुरी में? तो 33 पहले मैंने जितना रिसर्च किया था कुछ 64 थे। हाँ, 64 आ गए, जो रेडिएशन हुआ था ना खत्म हो गया। अच्छा, पानी बढ़ गया था पानी पूरा बढ़ गया। हाँ, अच्छा मिट्टी को चला गया। हाँ, अच्छा, अब 34 है मेनली एक सत्र सबसे फेमस है। अच्छा, ये हमारा सामग्री सत्र सबसे फेमस है, किंतर सत्र भोगपुर टेंगनाटी उत्तर कमलाबाड़ी नूतन कमलाबाड़ी आउनियाती और कोलम। अच्छा, ये 8 देखने के लिए है जो योगा है ना। तो मतलब जैसे कि इन्होंने बताया कि टोटल 8 सत्र जो है सबसे मेन है, जिसमें से चमागुरी सबसे फेमस है। उससे पहले ये यहाँ पर जब पानी का इरिगेशन हो गया था तब 64 से थे, अब मोटा मोटा 34 रह गए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आइए और इन चीजों को जानिए और समझिए, और आप चाहें तो इन चीजों को खरीद भी सकते हैं यहाँ पर आके। हाँ, खरीद के लिए बोला है वो देखिए सब। हाँ, छोटा छोटा बनाया बड़ा बड़ा क्या, जो लोग का जो पसंद है। हाँ, मन पसंद है ले लिया है। जैसे मुखौटो की बात करें, अगर आप मैं इसकी बात करूँ, इसका या इसका क्या प्राइस होगा? ये 400 होगा। 400? हाँ, हमारा तो 500, 400, 300, 200 ऐसा। दोस्तों आप सोच रहे हैं छोटा सा ये लेकिन महंगा, लेकिन महंगा इसलिए है क्योंकि ये पहली बात एक कल्चर से रिलेट करता है, दूसरी बात है इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम मतलब बहुत मेहनत और बहुत प्यार से बनाया जाता है इसको, पूरा हैंडमेड है ये, आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत कुछ है यहाँ पर, देखिए सिर्फ ये फोटा नहीं, आप देख सकते हैं आसाम कल्चर से रिलेटेड बहुत कुछ है। ये अलग है, ये लेडीज का बनाया, ये वाटर हाइसिंथ है जो जलकुंभी है ना जी, पानी में हुआ था ना ये, हमारा घर में ट्रेनिंग दिया था 25 लेडीज का, इसी समय में वो लोग बनाया और यहाँ पे रखा है। इसका क्या कॉस्ट होगा? ये 150 का होगा। 150 का, देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, लकड़ी से बनाया हुआ ये, लकड़ी नहीं वाटर है जी, वाटर जलकुंभी। ये हमने एक घर में भी देखा था इस, ये बैठने के लिए, बैठने के लिए दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं इसमें बैठा जाता है, ये बोरा फॉर एग्जांपल। अच्छा, कुहिला पास बोलता है, तो ये इसमें बैठ बहुत कंफर्टेबल होता है। इसका क्या प्राइस होगा? ये 200 200 है दोस्तों। ये धीरे धीरे जैसे कि मैं यहाँ पर आया, आपको दिखाया, और कोशिश करूँगा कि माजुली में और जितने सत्र हैं उनमें जाके विजिट करूँ। टाइम थोड़ा कम है लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सत्र कवर करूँ, आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये कौन है? ये कौन है? कुंभकर्ण। अच्छा, इसको बनाने, इनको बनाने में कितना टाइम लग गया है? 2 महीने। लॉकडाउन टाइम में बनाया, ये लॉकडाउन टाइम में बनाया था आपने? 2 महीने। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रिंटर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो बांह कान लेकर बेम्बो।
तो दोस्तों अभी मैं हूँ दक्षिण सत्रा में, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर सबसे 8 मेन सबसे बड़े सत्र हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर और दोस्तों ये जो भवन देख रहे हैं, ये जो घर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये तुलसी के पेड़ से बनाया है, उनको मिलाकर बनाया है। दोस्तों ये जो आपको मैं घर दिखा रहा हूँ, ये है, ये भी एक सत्र है जो जहाँ यहाँ के पुजारी, उन्होंने कहा कि ये कम से कम 370 साल पुराना है। अंदर वीडियो फोन अलाउड नहीं है इसलिए मैंने शूट नहीं किया, बट आप देख सकते हैं इसके अंदर मतलब राजा के जो पुराने सामग्री सामान है, वो थाली बर्तन सारे के सारे, बर्तन तलवार ये सारे आप देख सकते हैं। ये जो इसको जापी बोलते हैं सामने में, जो बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये है कम से कम 300 साल पुराना जापी, ये है। आप सोच के देखिए ज़रा, 300 साल पुराना। ये अंदर है सब कुछ, बट अलाउड नहीं है इसलिए मैं नहीं लेके गया। अभी आप देख सकते हैं ये नाम है इस मंदिर का असम में, वासुदेव थान, आप देख सकते हैं। देखिए बाकी आपको अंदर जाके दिखाता हूं अगर अलाउड करते हैं तो। देखिए दोस्तों ये है मंदिर का एक दूसरा पार्ट, आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे आके मेन मंदिर में मत्था टेक के यहाँ पर दिया जलाते हैं। देखिए देखिए आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं, और सभी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ, इसको मेखला सदर बोलते हैं। देखिए कितने अच्छे से, तो ये जितना भी लेडीज़ लोगों ने कपड़ा पहना है इसको मेखला सदर बोलते हैं। असम कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये, जब भी आप मंदिर में जाती हो किसी बड़े फंक्शन पर मेखला सदर ही पहनते हैं। जिस तरह से साड़ियाँ होती फेमस, तो इस तरह से असम में मेखला सदर होता है। आप देख सकते हैं हर जगह हरी दिए जला रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप अभी सत्र देख रहे हैं, ये है कमलाबाड़ी सत्र। दोस्तों सत्र का अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊँ, एक तरह का आश्रम या मठ जिसमें
बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग रहते भी हैं जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं जब तक वहाँ रहते हैं। तो इसी तरह से आसाम में बहुत सारे फेमस सत्र है, जिस तरह की मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया आपको, जो मेन सत्र यही है कमलाबाड़ी उनमें से एक है। और यहाँ पर पूजा याचना की जाती है, काफ़ी सारे नाटक साहित्यिक का यह अध्ययन केंद्र भी आप इसको बोल सकते हैं। और आसाम के सबसे मेन सत्रों में से, माजोली की सबसे मेन सत्रों में से एक, उनमें से एक ये भी है। तो कभी भी आप माजोली आते हैं तो कमलाबाड़ी सत्र ज़रूर विज़िट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आके ध्यान कर सकते हैं और बहुत कुछ आप सीख के जा सकते हैं। और जनरली बोलना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। दोस्तों अभी मैं हूँ औनियाती सत्र में, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो आपको रूम दिखा रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है, टोटल यहाँ पर 350 ब्रह्मचारी रहते हैं और बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स में ये फैला हुआ है। मतलब आप सोचिए 350 रहते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कभी आप आना चाहें तो आप बिल्कुल वेलकम हैं, आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई कंडीशन है कोई कि आपको किसी कोई जानकार होना चाहिए। कभी भी आप आए, कितने दिन के लिए, 10 15 20 दिन, महीने भर तक आप रह सकते हैं यहाँ पर। इतनी सुविधा है यहाँ पर, खाना पीना आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ की जगह देखिए दोस्तों कितनी, मतलब ये खाल है, मतलब तालाब जिसमें पानी रहता है, लेकिन अभी पानी सूख गया। ये सारा मतलब अब देखिए कम से कम 1 किलोमीटर तक फैला होगा ये सारे के सारे मतलब जितने भी यहाँ पर रहते हैं ब्रह्मचारी, उनके कमरे हैं। और वो अगर कोई उनका रिश्तेदार आता है या कोई भी आता है तो यहाँ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आप आना चाहे तो मैं औनियाती का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन ज़रूर कर दूँगा।